हाँ जी हमने डायमेंशन कर लिए थे अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ओके अब इसमें क्या है हमारे पास न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी वो 1991 में आई थी जिसे हमने एलपीजी पॉलिसी बोला था उसमें उसने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था सो दैट वी कैन इंट्रोड्यूस ए कम्पिटिटिव कंट्री एंड अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश कर सकें तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सबसे पहले इन्होंने क्या कुछ इंट्रोड्यूस किया जो अगर आज के कंटेक्स्ट में समझा जाए तो बहुत इजीली समझ आएगा। ओके। okay. मतलब कुछ कंपनीज के पास लाइसेंस अवेलेबल है फॉर गिविंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विसेज, ओके तो अब इन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है उसको सारे प्रोजेक्ट्स में कैंसल कर दिया एक्सेप्ट कुछ कंपनीज को छोड़ के ओके okay. जैसे आज की डेट में जो वैक्सीन है अब ऑपोजिशन पार्टीज ये बोल रही हैं गवर्नमेंट को कि कि इसे लाइसेंस किया जाए कि जो रॉयल्टी है वो आपस में ये शेयर कर लेंगे प्राइवेट कंपनीज बट जो वैक्सीन है जिसकी दो कंपनीज की प्रोडक्शन कैपेसिटी से सात से आठ करोड़ की कैपेसिटी है अगर आप चाहते हो कि इस कैपेसिटी को एकदम से बढ़ाया जाए और पब्लिक को रिलीफ मिले इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दैट दिस में समझना चाहते हो तो जैसे पहले दूरदर्शन के पास एक लाइसेंस होता था टीवी राइट्स होते थे सारा कुछ कम्युनिकेट करने का ओके बाद में क्या हुआ है के अब

द कंसेप्ट ऑफ लाइसेंस के लाइसेंस के लिए अप्लाई करोगे जैसे एल्कोहल के लिए आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है अगर लाइसेंस मिलेगा तभी आप एल्कोहल सेल कर सकते हो अदरवाइज आप ऐसे नहीं के करियाने की दुकान से ग्रोसरी स्टोर से आप एल्कोहल की बॉटल को बेच सकोगे ओके okay, तो आपको स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है ऐसे ही पेट्रोल डीजल सेल करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है बट अगर आप देखो कि ग्रोसरी स्टोर उसमें आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है तो ये एक कंसेप्ट था जो डी लाइसेंसिंग में लेके आए कि कंपनीज कंपनीज में क्या है कि बड़ा रिस्ट्रिक्टिव एंट्री थी तो उस रिस्ट्रिक्टिव एंट्री को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया टू एंटर इनटू तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑफ ओके फिर दूसरा क्या किया है डिक्रीज रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अब यह भी आज के कंटेक्स में अगर आप समझो तो बहुत इजीली समझ लोगे कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करती जा रही है या उनको प्राइवेटाइज करने जा रही है एल को गवर्नमेंट प्राइवेटाइज़ करने जा रही है ओके, उसका शेयर होल्डिंग बेच रही है, तो क्या कहते हैं और भी जो जैसे एल है उसको गवर्नमेंट सेल ऑफ करने की तैयारी में है उसमें डिस इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में है उसको पब्लिक सेक्टर का जो ऊपर होल्ड है मतलब जो मेजोरिटी कई कंपनीज हैं दे आर गवर्नमेंट uh, so, uh, क्या कर रही है धीरे 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 पब्लिक सेक्टर में से अपना हाथ खींच रही है की हम कंपनीज क्यूँ चलाए कंपनीज प्राइवेट सेक्टर चलाए हम ने क्या कहते हैं जनरल जो बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे स्कूल होने चाहिए हॉस्पिटल्स होने चाहिए यूनिवर्सिटीज होने चाहिए अब यूनिवर्सिटीज में भी क्या है प्राइवेट एजुकेशन बहुत ज्यादा है वैसे अगर देखा जाए यूरोपियन मॉडल से तो ये गवर्नमेंट का का एक रोल है दैट हैज टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज क्या हेल्थ वाटर सीवेज फैसिलिटीज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट का काम है फिर आपके ए, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट का काम है ओके सो दैट दे कैन प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू दी जनरल मासेस तो इस तरीके से क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से अपने आप को मूव आउट करने की पॉलिसी बनाई कि धीरे धीरे हम इन्हें सेल ऑफ कर देंगे प्राइवेट सेक्टर को करने ओपन अप कर देंगे दे विल इन्वेस्ट इन टू दिस प्राइवेट सेक्टर मोर अकाउंटेबिलिटी कैन बी स्टेब्लिश एंड वी विल रिमूव अवे फ्रॉम द रोल ऑफ रनिंग दीज पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ओके और हम अपना फोकस uh, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं पब्लिक की उस पर फोकस कर सकेंगे ओके okay? फिर है डिस इन्वेस्टमेंट एक पॉलिसी ये लेके आए डिस इन्वेस्टमेंट एक तो आप क्या करते हो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी को डायरेक्टली सेल ऑफ कर देते हो प्राइवेट सेक्टर में ओके बट दूसरा क्या करते हो कि आप कुछ शेयर होल्डिंग अपने पब्लिक सेक्टर कंपनीज की कन्वर्ट कर लेते हो जैसे ओ में टेन परसेंट आपने शेयर होल्डिंग कन्वर्ट की हुई है एस में आपने ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट शेयर होल्डिंग प्राइवेट में मतलब ओपन मार्केट में सेल ऑफ की हुई है ओके okay? या फिर आपके पास uh, और कंपनीज हैं तो आप क्या करते हो कि अपनी कंपनीज के कुछ शेयर प्राइवेट सेक्टर में सेल ऑफ कर देते हो तो उससे प्राइवेट मनी आपकी कंपनीज में आती है एंड इट नॉट ओनली क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी बट आल्सो अलाउस यू टू हैव एडिशनल मनी फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो ये एक नया कंसेप्ट लेके आए थे डिस इन्वेस्टमेंट का फिर आपने क्या किया लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरन कैपिटल आपने डिफेंस सेक्टर को ओपन कर दिया 74 परसेंट इन्वेस्टमेंट के लिए ओके फॉरेन कंपनीज की फिर आपने मीडिया को ओपन कर दिया आपने बैंकिंग सेक्टर को ओपन कर दिया आपने इंश्योरेंस को ओपन कर दिया इवन अब आपने एग्रीकल्चर को भी ओपन कर दिया है तो ये क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करना सेवेंटी फोर टू हंड्रेड परसेंट जो आपके मतलब बाहर से कंपनी कोल्ड स्टोरेज में लगा सकती हैं पैसा या प्रोक्योरमेंट में पैसा लगा सकती हैं या एयरपोर्ट्स में शिपिंग पोर्ट्स में और भी कई जगह पे आपके पैसा जैसे इलेक्ट्रिसिटी में लगा सकते हैं डिफेंस सेक्टर में लगा सकते हैं तो इस तरीके से आपने फॉरेन कैपिटल को एंटर करने की परमिशन दे दी ओके okay? पहले आपने ट्वेंटी फाइव परसेंट दी थी फिर आपने धीरे धीरे उसे फिफ्टी परसेंट किया फिर सेवेंटी फोर परसेंट किया अब कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां हंड्रेड परसेंट तक आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ओके okay. फिर है आपने एक और पॉलिसी बनाई लिबरल पॉलिसी फॉर टेक्निकल तो पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी तो अब टेक्नोलॉजी को लेके आने के लिए आपने क्या किया ऑटोमेटिक कि कि एंट्री इन टू हु आर ब्रिंगिंग दी अपडेटेड टेक्नोलॉजी बेटर टेक्नोलॉजी जैसे चाइनीज कई कंपनीज आई है आपके यहां, तो वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्नोलॉजी साथ लेके आई है ओके okay. तो उन्होंने वो शेयर किया उन्होंने वो कंपनीज इंफॉर्मेशन शेयर की है या कोलेबोरेटर के साथ इस बेसिस पे कोलेबोरेशन किया है कि in तो ये आपके पास टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट्स भी अलाउ किए गए ओके फिर गवर्नमेंट ने क्या किया एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ओके, जिससे गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया कि कितनी फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उनको कितनी जल्दी से परमिशंस दी जा सकें, कितनी इजीली, विदाउट एनी हर्डल्स और विदाउट लीस्ट हर्डल्स दे कैन एंटर इनटू मार्केट तो ये आपके पास एफ आई पी बी में किया गया ओके देन नेक्स्ट जो पॉलिसी लेके आए थे डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल ओके तो पहले क्या था कि सिर्फ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो सिर्फ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर सकती थी अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं है पैसा नहीं है क्वालिटी नहीं है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने उन सेक्टर्स को भी ओपन कर दिया कि जो प्राइवेट बड़ी कंपनियां मिड मीडियम कंपनीज या बिग लार्ज कंपनीज जो आपकी एंटर नहीं कर पा रही थी स्मॉल स्केल सेक्टर के रिजर्वड एरियाज में तो गवर्नमेंट ने उनको अलाउ कर दिया दैट दे कैन इजीली एंटर एंड कैन स्टार्ट द बिजनेस एक्टिविटीज तो ये आपके पास एक कंसेप्ट लेके आए थे ओके okay. तो इसके साथ उन्होंने ये ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उन्होंने एक और मैटर डिस्कस किया दैट इज लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ये भी एक मेजर एस्पेक्ट था ओके okay, जो डिस्कस किया गया है तो लिबरलाइजेशन का मतलब था कि एक तो आपने लाइसेंसिंग सिस्टम को अबॉलिश किया ओके okay. लाइसेंसिंग सिस्टम अबॉलिश सेकेंड के आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन अब आप कभी भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो या छोटा कर सकते हो ओके okay? अगर आपको लग रही है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं हो रही डिमांड नहीं है तो आप उसको कट डाउन कर सकते हो आप अपने बिजनेस को स्क्वीज कर सकते हो और अगर आपको लग रहा है कि नहीं वी नीड टू एक्सपेंड तो अब कोई स्पेशल परमिशंस नहीं लेनी पड़ती हैं ओके यू नीड टू जस्ट इन्फॉर्म ओके कि हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं ओके okay, तो कोई ऐसी स्पेशल परमिशंस नहीं है हाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा होगा या जो सीवेज की फैसिलिटीज और उसके लिए तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बट स्टिल यू हैव ए परमिशन टू इजीली एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट योर बिजनेस एक्टिविटीज ओके फिर आपके पास और लिबरलाइजेशन में क्या था रिस्ट्रिक्शन जो थी रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस टू मूव गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर रिस्ट्रिक्शन On movement of goods. Okay. Special permission for movement of goods from आपको state to लेनी पड़ती थी restrictions bhi aapki done away with की गई hain तो ये भी मतलब आप easily अब अपने गुड्स को मूव कर सकते हो जैसे गेहूं के, के मामले में कहते हैं गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं अब हमने आपको फ्रीडम दिया है ऐसा कुछ नहीं है ये पहले से ही फ्रीडम था कि पीपल कैन इजीली मूव देयर गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड कैन सेल देयर प्रोड्यूस एनी इन द कंट्री तो ये आपके पास रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ गुड्स था ठीक है फिर फ्रीडम टू फिक्स प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको फ्रीडम दिया फ्रीडम टू फिक्स प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मतलब आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी प्राइस सरकार नहीं फिक्स करेगी पहले सरकार एक मिनिमम प्राइस आपको कहती थे कि इतने इससे ज्यादा नहीं आप लोग ओके तो अब आपको फ्रीडम दे दिया यू कैन फिक्स योर प्राइसेस एज पर योर योर कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट्स और योर अंडरस्टैंडिंग ओके okay, तो ये आपको एक फ्रीडम दिया है प्राइसेस को फिक्स करने का ये भी लिबरलाइजेशन का एक पार्ट है देन दे हैव रिड्यूस्ड टैक्सेस ओके रिड्यूस्ड टैक्सेस ऑन मैनी गुड्स तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल गुड्स पे बहुत ज्यादा टैक्सेस को रिड्यूस किया गया है दो जो जनरल मासिस के यूज के हैं उन पे टैक्सेस ज्यादा है बट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के गुड्स हैं या इंडस्ट्रियल यूज के गुड्स हैं उन पे प्राइसेस जो टैक्सेस हैं बहुत कम है फॉर एग्जांपल डायमंड के ऊपर 0.25 परसेंट से 3 परसेंट का जीएसटी लगता है जबकि जो ऑक्सीजन या जो वैक्सीन है या आपके जो भी इक्विपमेंट है मेडिकल इक्विपमेंट्स है उनपे पांच परसेंट से, से लेके अठारह तक का जीएसटी लगता है क्योंकि वो मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हैं मगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे आपका जो टैक्सेशन है जीएसटी है कंपैरेटिवली बहुत कम है ओके okay? तो ये इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ जब टैक्सेस को आपके रिड्यूस किया गया है ओके okay? फिर लिबरल प्रोसेस टू अट्रैक्ट टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट इन कंट्री तो आपके कंट्री में टेक्नोलॉजी बहुत इजीली अब ट्रांसफर हो सकती है अट्रैक्ट हो सकती है मतलब आपको एक स्पेशल पैकेज दिया जाता है अगर आप टेक्नोलॉजी लेके आते हैं आपको टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं आपको और भी कई तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो ये आपके पास बेनिफिट है फिर है प्राइवेटाइजेशन है आपके पास प्राइवेटाइजेशन में आपने पहला एस्पेक्ट पढ़ा था डिस इन्वेस्टमेंट का डिस इन्वेस्टमेंट में क्या किया कि कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी गवर्नमेंट ने क्या किया अपने शेयर होल्डिंग बेचनी शुरू कर दी 51 परसेंट का उसने लिमिट बांध दिया कि हम अपने पास 51 परसेंट मेंटेन करेंगे और उससे ज्यादा जो है वो मार्केट में सेल ऑफ कर देंगे उससे जो पैसा आएगा वो सोशल अपलिफ्टमेंट और डेप्ट रीपेमेंट के लिए यूज कर लिया जाएगा तो ये आपके पास एक एस्पेक्ट है जिसे हम क्या कह रहे हैं कि डिस इन्वेस्टमेंट किए करना शुरू कर दिया एंड थ्रू डिस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस प्राइवेटाइजेशन इनटू द सिस्टम ओके फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है एक हमने जो पिछले साल पढ़ा होगा बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बीआईएफआर एस्टेब्लिश किया जिससे लॉस मेकिंग यूनिट्स को बंद किया जाए सिक यूनिट्स को बंद किया जाए और जो ए, कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उसको ए, ने क्या कहते हैं री डेवलप किया जाए उसमें लोगों को रीट्रेन किया जाए स्किल डेवलपमेंट किया जाए तो एक फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन मतलब जो तो कंपनीज नहीं चल पा रही हैं उनको तो बंद करके सेल ऑफ कर दो और जो कंपनीज़ चल पा रही हैं मगर उसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो उनको आपने री मॉडल किया री मॉडिफाई किया डेवलप किया उसमें री एनर्जाइज किया उन कंपनीज को तो ये एक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का कंसेप्ट आपने इंट्रोड्यूस किया थ्रू प्राइवेटाइजेशन ओके फिर आपके पास है ग्लोबलाइजेशन अब ग्लोबलाइजेशन में क्या किया कि गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटरेक्ट किया किस तरह से हमने डब्ल्यू के एग्रीमेंट साइन किए गैट के एग्रीमेंट साइन किए हमने जो अनिसेसरी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस थी इंटरनेशनल ट्रेड में कैपिटल मूवमेंट में उनको हमने कट डाउन किया जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी इंपोर्ट्स के लिए एक्सपोर्ट्स के लिए क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी हमने रिड्यूस की टैरिफ्स जो थे वो रिड्यूस किए ओके तो इस तरीके से हमने फ्री फ्लो अलाउ किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कैपिटल का ओके okay, और गुड्स एंड सर्विस को इजीली मूव करना अलाउ किया तो ये सारा एस्पेक्ट था जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हमने इंट्रोड्यूस किया सो दिस इज ऑल व्हाट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज इज क्लियर? इज दैट क्लियर यस सर। ओके अब हम इसके बाद कंसेप्ट लेके आ रहे हैं जो अगला टॉपिक है आपके पास वो है डी ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है लोगों का जब भी सरकार की बात करते हैं द बेस्ट अचीवमेंट डीमोनेटाइजेशन ओके तो डिमोनेटाइजेशन में क्या किया कि गवर्नमेंट इन 2016 सडनली टोल्ड दिस कंट्री दैट हाई वैल्यू डीशन नोट फाइव हंड्रेड एंड ऑफ डेट पर्टिकुलर डे विल नॉट बी रेंडर एज लीगल टेंडर ओके के उनमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो आप इस सारे पैसे को बैंक्स में डिपॉजिट करवाओ और आपको उसके बदले में दो हजार या उसके दूसरे करेंसी नोट्स दे दिए जाएंगे तो इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 86% परसेंट okay, ओके कितनी डिनोमिनेशन थी 500 एंड 1000 नोट्स की आपके पास 86% परसेंट कैश था जो गवर्नमेंट ने स्क्वीज़ किया मार्केट में से एकदम से ओके okay. और उसमें क्या है कि सारे के सारे पैसे को गवर्नमेंट ने कहा कि आपको डिपॉजिट करना है फिर उसके ऊपर आपकी लिमिट्स फिक्स कर दी कि आप इससे ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो बिकॉज गवर्नमेंट वॉज नॉट हैविंग दी न्यू करेंसी नोट्स सो दे प्लेसड रिस्ट्रिक्शन के आप ट्वेंटी फोर हंड्रेड रुपीज़ निकाल सकते हो या चार हज़ार निकाल सकते हो एक हफ्ते में और अगर आपके घर में मैरिज है तो सिर्फ आप टू लाख रुपीज निकाल सकते हो ओके okay. तो मतलब आपने रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर दी कन्वर्टेबिलिटी पे ओके okay. तो ये बेसिकली किसके लिए लेके आए थे कि देवर दैट वी विल इंट्रोड्यूस डेट इट विल ब्रिंग इन इट विल कर्ब करप्शन करप्शन को खत्म करेगा ओके okay, दूसरा टेररिज्म को फिनिश करेगा टेररिज्म ओके okay. टेररिज्म ल बी कंट्रोल्ड ओके और फिर काउंटर फीट जो नकली नोट्स हैं उनको काउंटर फीट करेंसी विल बी कंट्रोल्ड ओके And black money will come into system. Black money will be exposed. Black money will be exposed. तो ये सारा कुछ करने के लिए गवर्नमेंट ने ये लेके आए थे ओके okay. तो इससे क्या होगा कि जी जब हम ये करेंगे तो ब्लैक मनी एक्सपोज होगी और ये सारा कुछ होगा ओके okay, तो ये बेसिकली एक सरकार का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप था जिससे कि जो कैश होल्डिंग जो घर में अनडिक्लेयर्ड पैसा था वो सारा का सारा बैंक्स में आ जाएगा ओके एंड देन पीपल हैव टू डिक्लेयर अनअकाउंटेड वेल्थ के घर में आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया क्या सोर्स है अगर आप सोर्स नहीं बता पाओगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा तो ये आपके पास एक मिनी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट था ओके okay, तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट जिनने ये अंडरस्टैंडिंग ली कि इससे जो टैक्स आप छुपाते हो वो ज्यादा नहीं छुपा पाओगे क्योंकि आप एक्सपोज हो जाओगे एंड एंड टैक्स इवेशन विल नॉट बी पॉसिबल और मीन इट विल गेट मिनिमाइज एंड दैट विल हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो ओके और जितना का जितना पैसा आप घर में रखते हो सारी इकोनॉमी से पैसा निकल के सारा का सारा कैश बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा और उससे क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्प्रूव होगी अब आप किससे पेमेंट कर पाओगे डिजिटल पेमेंट्स कर पाओगे पॉइंट ऑफ सेल से आप पेमेंट कर पाओगे ओके तो ये सारा कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट ने सोच के कि कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगी वो सारा कुछ सोच के गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हुए दैट इज नॉट बीइंग डिस्कस्ड हियर सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट ओके बट ये डीमोनेटाइजेशन आपके पास थी इज दैट क्लियर हाँ जी डिमोनेटाइजेशन समझ आया yes, okay, इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए एक तो cash, me, हां जी, बोलो। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काउंटरफिटेड करेंसी विल बी कंट्रोल्ड? काउंटरफिट मतलब ये है कि जो आप नकली नोट बनते थे ठीक है कि आपके पांच सौ हजार रुपए के गवर्नमेंट ने बोला था कि बहुत सारा नकली नोट है कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम में उन्होंने बिना किसी रजिस्टर के ऊपर रिकॉर्ड किए नोट्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे इकोनॉमी को संभालने के लिए तो वो जब वो जब रजिस्टर्ड नहीं है आपके या लोग उसको जो टेररिस्ट ये कहते थे कि टेररिस्ट कैन रिप्रोड्यूस सच टाइप ऑफ करेंसी नोट तो ये नकली नोट बहुत है इकोनॉमी में तो वो Uh, क्या कहते कंट्रोल होंगे जबकि जब आपने डिमोनेटाइजेशन की तो जस्ट थर्टी थ्री लैख काउंटरफीट उससे ज्यादा आपके पास नकली नोट निकले ही नहीं ओके तो ये काउंटरफीट करेंसी को कंट्रोल करने के लिए लिया आया था अब इम्पैक्ट सुनो इसका क्या हुआ एक तो बैंक के डिपॉजिट बढ़ गए ओके दूसरा कैश ट्रांजैक्शन कंट्रोल हुआ जबकि अभी इसके देखा जाए तो सीरियस टर्म्स में कैश की ट्रांजैक्शन बढ़ गई है क्योंकि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है लोगों को क्रेडिट कार्ड्स डेबिट कार्ड्स नहीं यूज करने आते फोन पे नहीं यूज करना आता है पेटीएम नहीं यूज करना आता है मेजोरिटी को एंड पीपल इवन डोंट हैव मनी इन देयर बैंक्स क्योंकि उनकी अर्निंग्स भी इतनी ज्यादा नहीं है ऑल ओवर द कंट्री बिकॉज वी आर हैविंग ए नाइनटी फोर परसेंट नेशन विद इन फॉर्मल इकोनमी तो फार्मर्स को ज़्यादा नहीं टेक्नोलॉजी का पता है लेबर को ज़्यादा नहीं टेक्नोलॉजी का पता है तो इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने के कारण कैश में अब भी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है ओके okay. फिर इससे फाइनेंशियल सेविंग्स भी इनक्रीज हुई थी फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड प्राइवेट वेल्थ एकदम से डिक्लाइन कर गई थी क्योंकि डीमोनेटाइज जो नोट्स थे सारे के सारे बैंक में डिपॉजिट कराने पड़ गए थे तो जो लोगों ने अपने घर पे छोटी छोटी सेविंग्स कर रखी थी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू चिट फंड्स के थ्रू क्या कहते जो ये लॉटरी सिस्टम के थ्रू उन्होंने सेविंग्स कर रखी थी या किटी पार्टीज के थ्रू सेविंग कर रखी थी वो सारा का सारा पैसा आपको अल्टीमेटली वापस डिपॉजिट कराना पड़ गया that, uh, uh, के इसका कोई इंपैक्ट नहीं आया था डिजिटाइजेशन होनी शुरू हो गई थी मतलब लोग पहले जितना लेवल यूज करते थे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड्स का या पेटीएम फोन पे अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सोर्सेज एक का वो अब ज्यादा जा, यूज होने शुरू हो गए हैं रियल एस्टेट का एक बारी प्राइसेस डिक्लाइन की क्योंकि मार्केट से सारा का सारा पैसा स्क्वीज हो गया था तो आपका ब्लैक इसमें रियल एस्टेट में क्या होता है बहुत सारा पैसा आपका ब्लैक मनी की फॉर्म में आता है या कैश की फॉर्म में आता है जो रिकॉर्डेड रजिस्टर्ड प्राइस है वो तो कम होती है मगर जो मार्केट प्राइस है वो ज्यादा होती है इसलिए वो प्राइस का जो वेरिएशन होता है वो कैश में आता है तो जब कैश सारा का सारा बैंक्स में डालना पड़ गया 500 और 1000 थाउजेंड के नोट्स के फॉर्म में तो वो आपको नुकसान दे गया ओके के रियल एस्टेट जो था वो उसको नुकसान हुआ इसका और टैक्स कलेक्शन भी आपको ज्यादा हुई ड्यूरिंग दो हजार 2016 से 2019 के बीच में क्योंकि लोगों की इनकम एक्सपोज हुई तो सरकार ने पेनल्टीज लगाई उससे क्या हुआ कि आपकी टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट की एकदम से बढ़ गई थी ओके okay. तो ये तो था हमारे पास डिमोनेटाइजेशन का अब आपके दो टॉपिक्स रह गए हैं इफ यू से वी कैन हैव क्लास टमोरो हाफ एन आवर की बताओ कल ले लें संडे को क्लास हांजी बोलो यस सर यू कैन टेक बाकी बोलो छवि गौरव अमित ओके सर ठीक है दो टॉपिक्स रह गया कल खत्म करके फिर लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बिकॉज दैट हैज टू कम इन यूनिट टेस्ट ठीक है चलो ओके okay, बच्चे थैंक्स